Good morning student, welcome to class 3rd. This is your EVS lecture. Today we discuss question answer of lesson 14, air and water. Third question is, write the various sources of water. Ki water ke alag alag strot kya hai? Answer is, the various sources of water are rain, rivers, seas, lake, wells and tuvels etc. पानी के अलग अलग स्रोत कौन कौन से हैं? वर्षा, नदियाँ, समुद्र, झरने, कुएं और ट्यूबवेल, बहुत सारे, इस तरह से बहुत सारे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर. पानी की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? द थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर आर सॉलिड स्टेट, लिक्विड, गैसेस. ठीक है, तीन स्टेट्स में मिलता है, तीन अवस्थाओं में मिलता है, ठोस में, तरल में और गैसेज में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज वाटर साइकिल. कि पानी का चक्र क्या होता है? आंसर इज, इन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, पानी के चक्र के अंदर क्या क्रिया होती है? वाटर चेंज इनटू वाटर वेप्स. पानी जो है वो पानी वाष्प के रूप में बदल जाता है ड्यू टू द हीट ऑफ द सन. सूरज की गर्मी से के कारण पानी किस में बदल जाता है? वाष्प में बदल जाता है. एंड देन वेप्स चेंज इनटू क्लाउड्स. और जो वाष्प होते हैं, छोटे छोटे पानी के कण होते हैं, वो किस में बदल जाते हैं? बादल में. आफ्टर दिस, और इसके बाद वाटर कम बैक ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन. इसके बाद जो पानी है वो वापस से धरती के ऊपर वर्षा के रूप में आता है. मतलब पानी जब वाष्प से चेंज होकर क्लाउड्स में आ जाता है, तो क्लाउड्स से क्या करता है? बारिश के रूप में ये धरती पर वापस आता है. दिस प्रोसेस रिपीट अगेन एंड अगेन इन नेचर. प्राकृतिक में यह क्रिया जो है वो बार बार चलती रहती है. एंड इट इज़ कॉल्ड वाटर साइकिल. और इसी को ही वाटर साइकिल कहते हैं. थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे.